तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? दिल का दौरा जिसे हम बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है हार्ट अटैक की? जब क्या होता है हार्ट अटैक और मायोकार्डिक इन्फार्क्शन, जब क्या करती है कॉरोनरी आर्टरीज जो हम होती हमारी होती है हार्ट में, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है ब्लड में वो क्या होता है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। और ये करती है, अगर हार्ट अटैक क्या है मेडिकल इमरजेंसी है ये, जिसमें ऑक्सीजन फ्लो कम हो गया ब्लॉकेज की वजह से, तो मसल्स जो होते हैं हार्ट अटैक के वो क्या होते हैं वीक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है पेशेंट की वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। जैसे ये है, ये कॉरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, इस आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे ब्लड क्लॉट की वजह से, या फिर जो है कोलेस्ट्रॉल प्लेग की वजह से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है अंदर, तो इसमें अगर कॉरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज है किसी भी कारण से, तब भी क्या है हार्ट अटैक हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट को हर बंदे के, हर पर्सन के, पर्सन टू पर्सन क्या है इसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है वो है चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा जॉ में, नेक में, और जो पेन है वो कहाँ जाएगी? आर्म्स में, लेफ्ट आर्म में जाएगी, शोल्डर में जाएगी, बैक में जाएगी। और पेशेंट को इंडाइजेशन होगा, सेंस ऑफ शॉक चॉकिंग होगा, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। और क्या हो सकते हैं? स्वेटिंग, पसीना आएगा पेशेंट को, और नॉजियर वॉमिटिंग भी हो सकती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाइटनेसनेस, मतलब बहुत ज़्यादा सिर चकराएगा, पेशेंट का चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट को वीकनेस आएगी, वी एंजाइटी होगी, पेशेंट को इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, क्योंकि पेशेंट का जो हार्ट है वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या है इरेगुलर हार्ट बीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक क्या है? जो पर्सन क्या है जिसका हार्ट हाई ब्लड प्रेशर है उनको होने के चांसेस हैं, या फिर क्या है जो लोग जिनका हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनका लेवल क्या है वो इंक्रीज है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। और कौन कौन से हैं पर्सन, जैसे जिसकी 45 से अबव की एज होगी या 55 से अबव की एज होगी, इनमें क्लॉट्स बनने का, ब्लड क्लॉट्स बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओबेसिटी मोटे वाले पेशेंट में और डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। डायबिटीज़ एक बार होगी तो सेकेंडरी में उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। फैमिली हिस्ट्री, किसी को हार्ट अटैक है तो हो सकता है आगे किसी को फैमिली में हो सके, बच्चे को या किसी को, कि कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है, जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, दिन भर बेड पे बैठ रहा है, तो उसको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस, स्ट्रेस मेन कारण है हार्ट अटैक के, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। यूज़ ऑफ कुछ ड्रग्स यूज़ करना, जैसे कोकीन वगैरह, ठीक है, ऐसे कोई ड्रग्स यूज़ करना, ठीक है, ये हार्ट रिदम को इंक्रीज कर देता है, इसकी वजह से क्या है एकदम हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स मैंने आपको ये पहले करवा दिया, ऑटोम्यून मतलब क्या होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम्स के आपके खुद के ही अगेंस्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोम्यून डिजीज। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, हम लोग कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं ईसीजी, जैसे हमें पेशेंट लग गया, पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पता लग गया थोड़ा सा कि पेशेंट को मे बी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो हम लोग ईसीजी वगैरह करेंगे। फिर एंजियोग्राम, एंजियोग्राम में क्या होता है, एक डाई होती है वो हम इंसर्ट करते हैं वेन में, और अगर हार्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पर क्लॉट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो ब्लॉकेज होगी या फिर, तो वहाँ पर वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है, फिर हम उसको एक्सरे के अंदर देख सकते हैं। सिटी स्कैन करवा सकते हैं, किसने टिश्यूज है, मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, या फिर एमआरआई में भी देख सकते हैं। ये है इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम में क्या करते हैं, एक मशीन होती है एटोग्राम, और हार्ट में जैसे हम लोग यहीं रख के और विजुलाइज करते रहते हैं हार्ट को, ठीक है, कितनी ब्लड सप्लाई जा रही है, क्या है ब्लॉकेज तो नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? मेन इसमें थ्री टाइप्स है। फर्स्ट है स्टेमी हार्ट अटैक, ये बहुत ही खतरनाक हार्ट अटैक होता है, ठीक है, इसमें कॉरोनरी आर्टरी जो होती है वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है हार्ट में, ठीक है, और इसमें इसका जो फुल फॉर्म है वो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फार्क्शन, ठीक है। और इसमें क्या होती है ईसीजी में जब हम करेंगे इसकी ईसीजी, तो ईसीजी में बहुत चेंजेस आती हैं, और पेशेंट की क्या है
और कभी-कभी हम इसको मैसिव हार्ट अटैक, मतलब क्या है, बहुत बड़े पैमाने का दिल का दौरा भी कहा जाता है इसको। और स्टेमी हार्ट अटैक का जो है वो मोस्टली क्या है, जब ब्लड का फ्लो जब कम कम हो जाता है हार्ट में, उसके कारण होता है। और मसल्स जो होती हैं वो ब्लड के फ्लो कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, तो मसल्स क्या होती हैं, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है आपका नेस्टिमी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नॉन एस्टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नॉन एस्टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसका नाम है पूरा। और ये जो हार्ट अटैक होता है इसमें क्या होता है, पहले वाले में क्या था, स्टेमी में जो कॉरोनरी आर्टरी थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, ठीक है, उसमें एंटर बिल्कुल नहीं होता ब्लड। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एंटर होता है, कम्प्लीटली कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक नहीं होती है, इसको मिनी हार्ट अटैक भी बोलते हैं। और ये क्या है, और माइल्ड हार्ट अटैक भी बोलते हैं, मिनी हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ये डैमेज करती है हार्ट के हार्ट को, और पेशेंट को फटाफट क्या है, क्लिनिक में हमें लेके जाना पड़ता है। साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब क्या होगा कि ऐसा हार्ट अटैक जो हल्के तौर पे आएगा, लेकिन इसमें पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, बाकी सब में सिम्टम्स दिखाई देंगे, इसमें पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होगा, इसलिए इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। और पेशेंट क्या होता है, बिल्कुल भी पेशेंट को एकदम से डेथ हो सकती है पेशेंट्स की। ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस देते हैं, जैसे हमें पता लग गया, तो फर्स्ट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम पेशेंट को क्या है, CPR देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ये आपको बता चुकी हूँ मैं पहले। अगर हॉस्पिटल्स में है पेशेंट, हम उसको हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो ब्लड क्लॉट्स की वजह से अगर हुआ है हार्ट अटैक, तो उस क्लॉट्स को, ब्लड क्लॉट्स को क्या है, ख़त्म कर देगी, उसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है, ख़त्म कर देगी। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं जो क्लॉट बना होता है उसको, या बनने से आगे ग्रोथ करने से रोकेंगी, प्लस प्रिवेंट करेगी कि दोबारा ये क्लॉट ना हो। अदर ब्लड थिनर्स कौन कौन से देंगे, हेपरन हम लोग देंगे, ये भी जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट को इसको भी रोकती है। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरिन, नाइट्रोग्लिसरिन क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको डायलेट करती है, जिससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है, ब्लड है बॉडी में प्रॉपरली इक्वल मात्रा में बॉडी में जा सके। बीटा ब्लॉकर्स हम लोग देते हैं, ये रिलैक्स करते हैं हार्ट के मसल्स को और ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, जिससे क्या होती है, हार्ट मसल्स के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये जो है ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं और हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको वीक होने से प्रेन क्या होते हैं, ये मॉर्फिन हम लोग देते हैं, अगर किसी पेशेंट को पेन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, तो उसको ये कम करती है। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या है, पहले है कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी स्टंट, इसमें क्या होता है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये हमारी आर्टरीज है, ठीक है, इसको हम लोग, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल प्लेग है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो हम लोग स्टंट डालते हैं, ठीक है, स्टंट डालने के बाद उसके बाद में ये बैलून की तरह ऐसे फूल जाता है, जिसकी वजह से ये जो आर्टरीज थी नैरो हुई हुई थी, ये क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, और उसके बाद में स्टंट को वी रहने देते हैं और बैलून को बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम बैलून को, ये देखो, जब हमने बैलून में डाला था तो क्या था, बिल्कुल ही ये नैरो थी, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा था, जब हमने स्टंट डाल दिया अंदर, बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो क्या है, एक रास्ता बन गया और स्टंट वही रहता है, बस बैलून क्या है बाहर को निकाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग। कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी क्या होती है, इसमें जो ब्लॉकेज होता है आर्टरीज में, उसको हम लोग बाई सर्जरी के द्वारा क्या है, बाहर निकाल देते, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो काम प्रॉपर कर सके। और ये हार्ट अटैक के कुछ दिनों के बाद हम लोग ये सर्जरी करते हैं, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरीज। अब प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक क्या है, जैसे कि हमेशा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मेंटेन रखना, अगर किसी को प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, अगर आपको पता लग गया तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल लगातार चेक करवाते रहना है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना है, बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल में रखना, क्योंकि हमने पढ़ा है वो ओबेसिटी की वजह से होता है,
और क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल, अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी हमने पढ़ा है कॉजेस क्या है डायबिटीज़, तो उसकी उसको भी कंट्रोल करना, और हेल्दी लाइफस्टाइल को इन्वॉल्व करना, ऐसे स्मोकिंग है उसको नहीं लेना है, फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, और जो है हेल्दी डाइट लेने से क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल फाइबर हेल्दी फैट्स ये सब कुछ लेना है, और कुछ प्रोटीन्स भी लेने हैं जो मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, और क्या करते हैं ड्रिंक वगैरह लेने, जैसे क्या है जो स्ट्रेस को कम करते हैं, जैसे वाटर ले लिया, जूस ले लिया, ठीक है, तो वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट, 80 to 80% हमारी बॉडी में वाटर होता है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो क्या है ऑटोमेटिकली क्या है ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, क्लॉट्स नहीं बनेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है टू लोअर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, और अच्छा जो होता है वो वाला कोलेस्ट्रॉल लेना है एसडीएल, ठीक है, और क्या है कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस ये है, अगर पेशेंट में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, अरिथमिया, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं हार्ट बीट को कंट्रोल जो करते हैं वो क्या होते हैं एबनॉर्मल हो जाते हैं इसमें, और पेशेंट को क्या है पाल्पिटेशन हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, और मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है अरिथमिया, ऐसे है क्या है कि एक हार्ट अटैक हो गया उसके बाद भी पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, चाहे घर में हो कहीं पर भी हो, उनके अरिथमिया होने के चांसेस होते हैं, सडन हार्ट कार्डिक अरेस्ट, पेशेंट को एकदम से क्या हार्ट बीट स्टॉप हो सकती है, क्योंकि क्या उसको अगर अरिथमिया हो गया उसने नोटिस नहीं किया तो पेशेंट की हार्ट बीट एकदम स्टॉप हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ऐसे क्या है उसने हेल्दी डाइट नहीं लिया, मसल्स वीक हो गए, जो प्रिवेंशन करने को बोली थी वो प्रिवेंशन नहीं गई है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, कहीं में वॉल्व प्रॉब्लम हो सकती है, जो वॉल्व है ठीक है जो फोर वॉल्व है वो क्या होते हैं उसमें ब्लड ब्लड फ्लो प्रॉपरली कलेक्ट और डिपेंड नहीं करेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है वॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, और मर्मर की साउंड आएगी, ठीक है, जब वॉल्व प्रॉब्लम्स होगी तो उस किप में हार्ट में क्या मर्मर की साउंड होगी, और डॉक्टर हार्ट की साउंड को फील करेगा, ठीक है, पेशेंट को फैटीक होगा, डिजीनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, एंकल में स्वेलिंग होगी, फीट में स्वेलिंग होगी, ठीक है, तो ये है टॉपिक हार्ट अटैक।